कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार जहां पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन अब जब बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है तो वैक्सीन भी चुनावी वादों का हिस्सा बन चुकी है। जी हां, भाजपा ने बिहार में वादा किया है कि हर एक शख्स को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन का टीका लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि जैसे ही ICMR कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी देता है, वैसे ही बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। बिहार में हर व्यक्ति का मुफ्त में टीकाकरण होगा। इसके बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार ट्रेंड हो रहा है। लोगों ने जोक्स बनाना शुरू कर दिया है, बिहार चलो ट्रेंड कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही वैक्सीन मिलेगी, इसीलिए बोरिया बिस्तर उठाइए और बिहार की ओर रवाना हो जाइए। और बहुत हद तक मुमकिन है कि बिहार में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या का अंदाजा किसी को नहीं होगा, ना ये जानकारी होगी कि कोरोना से बिहार में अब तक कितने लोगों की जान गई, लेकिन इतना जरूर है कि अब तक वैक्सीन मुफ्त में मिलने की खबर आप तक पहुंच गई होगी। बिहार वासियों के लिए कोरोना का टीका निशुल्क होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का हिस्सा है जो इस समय केंद्र बना हुआ है। निर्मला सीतारमण ने पटना में संकल्प पत्र जारी करते हुए इसका ऐलान किया था। इसके बाद से ही भाजपा पर कोरोना महामारी के राजनीतिकरण का आरोप लगा। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी जारी है। यूरोप में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर की बात चल रही है और इसी बीच में तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे का नारा भी लगना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को बिहार चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि भाजपा राज्य के नागरिकों को ICMR द्वारा अनुमोदित निःशुल्क कोरोना वायरस वैक्सीन और राज्य के युवाओं के लिए लगभग 19 लाख नौकरियां प्रदान करेगी। बिहार चुनाव आपको पता है 28 अक्टूबर को अपने पहले चरण के मतदान के साथ शुरू होने वाला है। ऐसे में मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। शिवसेना की ओर से भी बयान जारी कर दिया गया। पार्टी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत कर रही मोदी सरकार सिर्फ बिहार में फ्री में कोरोना वैक्सीन क्यों बांट रही है। इसके पहले भी पीएम मोदी के भाषण के बाद शिवसेना ने तंज कसा था। पीएम मोदी प्रमुख मुद्दों पर चुप रहकर भाषण अच्छा देते हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अलग तेज दीर्घ तपस्या की तैयारी कर रहे हैं पीएम। आपको बता दें कि असम में भी हर एक को फ्री में लगेगा टीका। तेलंगाना में गरीबों हेल्थ वर्कर्स को भी फ्री वैक्सीन। एमपी कर्नाटक और तमिलनाडु भी इस बात का ऐलान कर चुकी है और इसी ऐलान के साथ में अब पूरे देश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर चुनावी वादों में कोरोना वैक्सीन को एजेंडा बनाने की आवश्यकता क्या थी। क्या कोरोना वैक्सीन को लेकर भी भेदभाव होना चाहिए, ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में जनता के मन में ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिरकार जब वैक्सीन अभी आई ही नहीं तो फ्री में बांटने का दावा कैसे किया गया। क्या ये सरकार की तरफ से कोई संकेत है कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन के परीक्षण में हम सफलता पाने वाले हैं। देश में कोरोना का स्टेटस क्या है, बाकी के देशों में किस हद तक सफलता हासिल की है वैक्सीन ने, सबसे पहले हम इस बात का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद में हिंदुस्तान की कोरोना को लेकर सियासत पर आएंगे। तो कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या में रोजाना हजारों लोग जुड़ रहे हैं, साथ ही रोजाना कई मौतें हो रही हैं। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी जो चीज है वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं कि जल्द से जल्द इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन को विकसित किया जाए। भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ाया गया है। भारतीय दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने कहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन बनाने के लिए मानव परीक्षण का आगाज कर दिया गया है। वॉलंटियर्स को पहले और दूसरे चरण के लिए कोरोना वायरस से बचाव का संभावित टीका विभिन्न स्थानों पर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि भारत के साथ ही दुनिया के कौन कौन से प्रमुख देश हैं जो कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए अंतिम चरण तक पहुंचने की ओर हैं। भारत में 3 वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल हो रहा है। ICMR भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के दाम अभी तक तय नहीं किए हैं। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविडशील्ड का ट्रायल कर रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII ने करीब 225 रुपए में टीका उपलब्ध कराने की बात कही है। कैडिला हेल्थकेयर ने अपनी वैक्सीन ZyCoV-D की कीमत नहीं बताई है। भारत में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने को लेकर प्रयास लगातार जारी है। जाइडस कैडिला ने पहले ही क्लिनिकल GMP बैचों का निर्माण कर लिया है।
1000 से अधिक लोगों पर भारत में कई स्थानों पर क्लिनिकल परीक्षण की योजना है। साथ ही जाइडस कैडिला ने इस महीने कहा था कि उससे प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट जायकोव डी को अहमदाबाद स्थित वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है। इसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण को शुरू करने की अनुमति प्रदान की। दूसरी ओर भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में शुरू हो चुका है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आई है कि 73 दिनों में भारत में पहली कोरोना वैक्सीन आ जाएगी, मुफ्त लगाए जाएंगे टीके। देश की पहली कोरोना वैक्सीन हमारे साथ होगी, हमारे सामने होगी। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड 73 दिनों में बाजार में उपलब्ध होगी, ये दावा किया गया। इस वैक्सीन से जुड़ी एक और खास बात यह है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत में भारत सरकार हर भारतीयों को कोरोना का मुफ्त टीका लगाएगी। आपको बता दें कोविशील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने हमारी कंपनी को विशेष निर्माण प्राथमिकता लाइसेंस दिया है। इसके तहत में कंपनी ने वैक्सीन के ट्रायल प्रोटोकॉल की प्रक्रिया को और तेज किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन का ट्रायल 58 दिनों में पूरा हो जाएगा। गौरतलब है कि वैक्सीन के तीसरे चरण का पहला डोज दे दिया गया है, जबकि दूसरा डोज दिया जाएगा 29 दिन के बाद में दिया जाएगा। वैक्सीन का दूसरा डोज दिए जाने के 15 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। वैक्सीन के सभी चरण पूरे होने के बाद ही कोविशील्ड को बाजार में उतारने की योजना बनाई जा रही है। कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया में तेजी लाने का काम शुरू किया गया। आपको बता दें 17 केंद्रों में 1600 लोगों के बीच में कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हर केंद्र में लगभग 100 लोगों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी से इस वैक्सीन को बनाने के लिए कहा है। ये हिंदुस्तान की स्थिति थी जो हमने आपके सामने पेश की। अब दुनिया के क्या हालात हैं ये भी आप जान लीजिए। वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में रिसर्च इंस्टीट्यूट और फार्मा कंपनियां कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बड़े बड़े देश जुटे हुए हैं। 155 संभावित वैक्सीन और दवाएं हैं जो विकास के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। इनमें से 23 मानव परीक्षण से गुजर रहे हैं। रूस ने हाल में घोषणा की है कि उसने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की दिशा में मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यही कारण है कि इस दौड़ में रूस आगे निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया कई संभावित वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। अमेरिका में जल्द शुरू होंगे अंतिम ट्रायल, यह दावा किया गया है। अमेरिका में मॉडर्ना ने कहा है कि वो मानव परीक्षण के अंतिम चरण की योजना बना रही है। उन्होंने बताया है कि 87 स्थानों पर ट्रायल होगा, ये सभी स्थान अमेरिका में हैं। वहीं मैरीलैंड स्थित नोवा वोकस में घोषणा की गई है कि अमेरिकी सरकार वैक्सीन का वित्त पोषण करेगी। कनाडा स्थित मेडिकैगो ने कोविड वैक्सीन के परीक्षण के लिए पहले चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इससे पहले वैक्सीन देने का दावा रूस के वैज्ञानिकों का दावा था कि विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन वही लॉन्च करेंगे। गेमेलेई नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक एलेक्जेंडर ने यह भी दावा किया था कि 12 से 14 अगस्त तक वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन आपको बता दें ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। निजी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर सितंबर से इसका उत्पादन भी शुरू किया गया। रूस का दावा था कि मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दुनिया के पहले कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के निदेशक वादिम तारासोव ने यह भी कहा कि वॉलंटियर्स के पहले बैच को 15 जुलाई और दूसरे बैच को 20 जुलाई को छुट्टी दे दी जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल्स गेमेलेई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी 18 जून से शुरू हुए थे। ब्रिटेन से भी यही उम्मीद थी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 2 संभावित वैक्सीन उम्मीद देखी जा रही थी। एक को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया जा रहा था, ये तीसरे चरण में है। वहीं अन्य को इंपीरियल कॉलेज लंदन द्वारा विकसित किया जा रहा है और ये अभी दूसरे चरण में है, सफलता हासिल नहीं हुई है। विभिन्न चरणों में ट्रायल चीन में, आपको बता दें 4 संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित की जा रही है।
ये विकास के विभिन्न चरणों में है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ सीना फार्म्स दूसरे चरण में है। सुनोवेक ऑफ इंस्टीट्यूट बुटेटेन वैक्सीन को विकसित करने के तीसरे चरण में है। सैन्य उपयोग के लिए कैन सीनो बायोलॉजिकल और बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक को वैक्सीन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मंजूरी दी गई थी। साथ ही बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और सीना फार्म संभावित वैक्सीन के दूसरे चरण में है। अन्य देश भी कोशिशों में जुटे हैं। जर्मनी बायो एनटेक पीफाजाए और फोसन फार्मा संभावित वैक्सीन बनाने के दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का वैक्सीन पेटी लिमिटेड और मेडिटॉक्स पहले चरण में है। वैक्सीन वितरण के लिए साथ आए 150 से अधिक देश। आपको बता दें कोरोना वैक्सीन तैयार होने की स्थिति में वो सभी देशों को समान रूप से उपलब्ध हो, इसको लेकर 150 देशों ने एक योजना पर हस्ताक्षर भी किए थे। इनमें 70 अमीर देश शामिल हैं। वैक्सीन संगठन गवी ने बुधवार को जारी किए एक बयान में कहा था कि 75 देशों ने कहा है कि उसकी कोवैक्स योजना में कम आय वाले 90 देशों के साथ में शामिल होंगे। गरीब देश सहायता के रूप में वैक्सीन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। गवी ने अमीर देशों से कहा था कि कोरोना की कोई वैक्सीन तैयार होती है तो उसका वितरण इस तरीके से हो कि हर देश को कम से कम उनकी 20% आबादी के लिए वो उपलब्ध हो सके। देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। DGCI ने आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच में वैक्सीन तैयार करने को लेकर जद्दोजहद लगातार जारी है। कई देशों के वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में अपनी जुगत लगाए बैठे हैं। इसी बीच भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। देश की ड्रग नियामक संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही फार्मा कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइन फार्मा कंपनीज के तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को लेकर बेहद अहम है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन पर तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल में कम से कम 50% प्रभावकारिता होनी चाहिए। मतलब इंसानों पर परीक्षण में इस वैक्सीन का कम से कम 50% लोगों पर प्रभावी तरीके से काम करना आवश्यक होगा। निर्देशों में कहा गया है कि इसके लिए व्यापक रूप से तैनाती की जाए, वैक्सीन से जुड़े संवर्धित श्वसन रोग के संभावित जोखिम का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा नई गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की तत्काल जरूरत है, लिहाजा फार्मा कंपनियों को ट्रायल में तेजी के साथ अनुकूल तरीके और सहज दृष्टिकोण से आगे बढ़ने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी गाइडलाइन में इस बात पर भी गौर किया गया है कि गर्भावस्था में और प्रसव वाली महिलाओं में COVID-19 वैक्सीन का उपयोग टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है। देश में 30 वैक्सीन पर काम चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यह भी कहा कि देश में कोरोना की 30 वैक्सीन पर काम हो रहा है। इनमें से 3 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न चरणों में है, जबकि 4 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल से पहले की अवस्था में है। हर्षवर्धन ने राज्यसभा में यह भी कहा था कि भारत ही नहीं अन्य देशों की तरह वैक्सीन बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में भारत में वैक्सीन उपलब्ध जरूर होगी। इसके साथ ही एक बात और है जिस पर गौर करने की जरूरत है। बिहार के चुनावी घोषणा पत्र में BJP का वादा क्यों है पूरे देश के लिए गुड न्यूज, ये भी जान लीजिए। कोरोना वायरस वैक्सीन अब चुनावी वादों का हिस्सा बन चुकी है। आपको पता है भाजपा ने बिहार में वादा किया कि हर एक शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा पत्र जारी करते हुए ऐलान किया, इस बात को दोहराया, इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ICMR कोरोना की किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देता है तो बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करेंगे, हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। BJP का ये वादा भले ही चुनावी हो लेकिन इसके मायने पूरे देश के लिए बेहद अहम हो जाते हैं। केंद्र में BJP के नेतृत्व में NDA की सरकार है, ऐसे में बिहार में मुफ्त टीकाकरण का वादा करके BJP ने एक तरफ से इशारा कर दिया है कि भारतीयों को COVID-19 वैक्सीन के लिए कीमत नहीं चुकानी होगी। क्या है BJP का वादा? हमने आपको बताया कि संकल्प पत्र में वैक्सीन को सबसे ऊपर और प्रायोरिटी पर रखा गया है। टीका तैयार होते ही बिहार वासियों को मुफ्त में दिया जाएगा और इससे इशारा क्या मिल रहा है ये भी समझिए। BJP ने बिहार में जिस तरीके से मुफ्त वैक्सीन का वादा करके ये साफ कर दिया है कि सरकार नागरिकों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराएगी,
अगर ऐसा नहीं भी होता तो राज्य सरकारें अपने खर्च पर नागरिकों को वैक्सीन लगवा सकती हैं। एक तरह से इसे राजनीतिक घोषणा की तरह भी देखा जा सकता है। अगर बिहार में मुफ्त वैक्सीन मिलेगी तो बाकी राज्यों में भी फ्री में टीका लगाने की डिमांड जरूर होगी और होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कोई कीमत तय भी करती है तो राज्य सरकारें उसे चुकाएंगी ताकि लोगों की नाराजगी से बचा जा सके। अगर एक राज्य में आप फ्री वैक्सीन देने का दावा करते हैं और दूसरे में पैसा लिया जाएगा तो लोग अदालत का रुख भी कर सकते हैं। संभावना इसी बात की ज्यादा है कि केंद्र सरकार की इस ग्लोबल महामारी के टीके का पूरा खर्च उठाएगी। केंद्र सरकार को तय करना है वैक्सीन के दाम। भारत में कोविड की 3 वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। मंजूरी ICMR से मिलेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल देगा। वैक्सीन के दाम क्या होंगे ये सरकार वैक्सीन डेवलपर से बातचीत के बाद तय कर पाएगी। फिलहाल जोर जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि प्राथमिकता के आधार पर जुलाई 2021 तक 25 से 30 करोड़ भारतीयों को टीका लगाने की तैयारी हम कर रहे हैं। वैक्सीन की कीमत को लेकर स्पष्टता तभी आएगी जब ट्रायल पूरा होगा, अप्रूवल मिलेगा। बनाने वाली कंपनियां दाम क्या रखेंगी ये भी सवाल है। कोरोना वायरस महामारी ने जिस तरीके से दुनिया की रफ्तार को थाम दिया है उससे वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने का दबाव जरूर है। अधिकतर वैक्सीन निर्माता कंपनीज ने कहा है कि वो अपने टीके की कीमत बेहद कम रखेंगी ताकि ये सबकी पहुंच में हो। अधिकतर देशों में सरकारें ही वैक्सीन का पूरा खर्च उठाएंगी। रिसर्च और ट्रायल को बड़े पैमाने पर सरकारों ने फंडिंग भी दी है। गरीब देशों को मुफ्त सस्ते में वैक्सीन मिल सके इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी 160 से ज्यादा देशों के एक समूह यानी कि GAVI बनाया। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का कहना है कि टीके की अधिकतम कीमत $40 यानी कि ₹3,000 हो, इससे ज्यादा नहीं होगी। अब थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। सियासतदान चुनाव आयोग का रुख करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग के नियम क्या हैं? एक बार ये समझ लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र के नियम बनाए गए जिसे चुनाव आचार संहिता का ही हिस्सा माना गया। इस सूची में धारा 8 में लिखा गया कि कानून स्पष्ट है, चुनाव घोषणा पत्र में वादों को रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 123 के अंतर्गत भ्रष्ट व्यवहार के तौर पर नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बात को वास्तव में खारिज नहीं किया जा सकता। मुफ्त में चीजें बांटने की परंपरा से लोग चुनाव में प्रभावित होते हैं। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिला कर रख देता है। तो क्या फ्री कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे को लेकर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है, ये सवाल है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे OP रावत, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि नियम बस इतना कहता है कि अगर इस तरीके से फ्री बांटने की कोई घोषणा की जाती है तो ऐसा करने के लिए संसाधन पार्टी के पास है या नहीं और बजट में प्रावधान किया जा सकता है या नहीं, ये सवाल पूछे जाते हैं। अगर सवालों के जवाब हैं तो चुनाव आयोग इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता। फ्री घोषणाओं के लिए मौजूदा प्रावधानों में संसाधन ना होने पर उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मतलब ये चूंकि स्वास्थ्य विषय पर राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है इसीलिए राज्य सरकारें चाहे तो मुफ्त में कोरोना वैक्सीन बांटने का बजट में प्रावधान कर सकती हैं। सवाल उठेगा कि बिहार के खजाने में वैक्सीन खरीदने के पैसे हैं या नहीं, राज्य की सरकार क्या तय करती है। इसी के साथ में फ्री वैक्सीन का के दावे को लेकर नैतिकता को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि अभी वैक्सीन का पता नहीं, कब आएगी, कितने डोज लगेंगे, तो पहले से इन बातों को चुनावी वादों में कैसे शामिल किया जा सकता है। इस बारे में डॉक्टर से भी बातचीत हुई, डॉक्टर जैकब जॉन से। लगातार उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में वायरोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर, वो कहते हैं कि कारगर वैक्सीन जैसे ही बाजार में आती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो एक मानवाधिकार का विषय बन जाता है, वो हर इंसान का अधिकार होता है। अगर चुनाव में मौसम में कोई पार्टी कहे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए वैक्सीन मुफ्त में दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अधिकार आपके पास नहीं है, आपको उसकी कीमत आपका वोट है, तो ये सही हुआ। तो आपका अधिकार है उसे आप चुनावी वादा कैसे बता सकते हैं, कोई गिफ्ट जैसी बात हो तो समझ आता है। किसी भी महामारी को रोकना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये बात केवल भारत पर नहीं विश्व के हर लोकतांत्रिक देश पर लागू होती है।
इसीलिए भारत में कोरोना को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर कदम उठाए। भारत सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए इसी वजह से काम किया, टीबी का टीकाकरण कार्यक्रम इसी वजह से चलाया गया। तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो निशुल्क है। महामारी के संदर्भ में इसमें तेजी लानी चाहिए। तो ये कैसे तय होता है कि किस बीमारी का टीकाकरण राष्ट्रीय स्तर पर होगा? इस सवाल में भी जवाब है। केंद्र सरकार इसके बारे में फैसला लेती है। निर्णय लेने में उनकी मदद स्वास्थ्य मंत्रालय की टीकाकरण पर बनी तकनीकी समिति करती है। कोरोना टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा, इसका फैसला भी उनको करना होगा। एक बार केंद्र सरकार इस टीकाकरण अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर करने का ऐलान करती है तो वैक्सीन खरीदने से लेकर स्टोरेज वितरण सब कुछ जिम्मेदारी इन्हीं की होगी। इसके साथ ही सियासतदानों ने इस पर बवाल मचा दिया। संजय रावत ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब एक नई घोषणा मैं देख रहा हूं, तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। शिवसेना नेता ने आगे ये भी कहा कि पहले हम जाति और धर्म के नाम पर बांटते थे, अब वैक्सीन के नाम पर बांट रहे हैं। विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरा, लगातार ट्वीट्स किए। ये भी कहा गया कि बिहार के लोगों को कोरोना वायरस का टीका निशुल्क उपलब्ध कराने के भाजपा के चुनावी वादे को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए महामारी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया, निर्वाचन आयोग से कार्रवाई करने की मांग उठी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, भाजपा के इस वादे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार ने कोविड के टीके के वितरण की राजनीति की घोषणा कर दी, अब लोग इसे हासिल करने की जानकारी के लिए राज्यवार चुनाव कार्यक्रमों पर गौर कर पाएंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार ने वायरस के टीके तक लोगों की पहुंच से जुड़ी अपनी रणनीति का ऐलान किया, कृपया ये जानने के लिए राज्यवार चुनाव कार्यक्रम का सहारा लें कि अब आपको दूसरे फर्जीवादों के पिटारे के साथ कम मिलेगा। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने यह भी ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढी नहीं, पर बिहार की जनता ने बिहार बचाने की वैक्सीन जरूर ढूंढ ली है। भाजपा भगाओ, महागठबंधन सरकार लाओ ऐलान किया गया, चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए कहा गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा कि बिहार में मुफ्त टीके का वादा करके भाजपा स्वास्थ्य सेवा का राजनीतिकरण कर रही है। कांग्रेस नेता की तरफ से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि मुफ्त टीके को लेकर सरकार का रवैया चुनिंदा नहीं हो सकता। यूपी और बाकी राज्यों में आखिरकार ऐलान क्यों नहीं किया गया? राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी बात कही कि आखिरकार किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य राष्ट्र में किसी महामारी की वैक्सीन को चुनावी घोषणा में शामिल करना विमर्श के पतन का द्योतक है। ये जिंदगी बचाने के लिए भी चुनावी सौदेबाजी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आज देश की सत्ताधारी भाजपा बिहार के अपने घोषणा पत्र में कहती है कि वो बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसे घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं जारी किए जाते? तो अवसरवादी राजनीति की बात यहां लगातार हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है भारतीय जनता पार्टी का। जब वैक्सीन बनी नहीं तो सिर्फ बिहार में आप बांटने का ऐलान कैसे कर सकते हैं? और क्या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो ऊंची श्रेणी के लोग हैं या जो अन्य राज्यों में हैं, उनको वैक्सीन के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल उठे।